हाँ बोल बोल रहा सा मन गोभी बीजा मरता नहीं मो वीक लंग आम दियो मन मार सो करो नेट अकीकर जीवाड़ो 500 रुपया सरकार पेंशन दे रही है। आप विकलांग हो? विकलांग हो आ देखो सा ओ ये तो गोभी बीजा मन सरकार देती नहीं है। अच्छा यूनाइटेड पेंशन मन 7000 रुपया दी है 300 करके जीवाड़ो खाली पेंशन 7000 रुपया देवे खाली पेंशन 7000 रुपया देवे हाँ तो इस देवे और गोभी बीजा कोई नहीं देता गोभी बीजा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं और विकलांग सर्टिफिकेट बनूड़ो है। अच्छा मोड़ा राम जी बिल्कुल बिल्कुल मोड़ा राम जी का विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है बट सरकार से 700 रुपये एक इनको पे होता है। हाँ अब बस तो फ्री है लेकिन ये बस से इनका जो डेली का आना जाना रहता नहीं है क्योंकि इनको दोस्तों मैं आपको माझी राणा जनजाति का एक फैमिली जो घर का है व्लॉग वीडियो के रूप में आपके सामने लेके आया हूँ। और ये इनका जो घर का मेन गेट है ये जो लकड़ी का बना हुआ है और एक तरफ ऐसे इसको नीचे गड्ढे में खोद के और साइड में लकड़ी बना के और इसको वो बनाया हुआ है और ये इनका जो मेन गेट है। वो आप रो मेन गेट है? हाँ। अच्छा आप रो शुभ नाम? सरवन। सरवन भाई और आप रो? मारा नाम मोड़ा राम। मोड़ा राम जी सरवन जी। अच्छा और मैं इनका पूरा घर का है जो वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ और घर के अंदर एंट्री करते हैं लेफ्ट तरफ इनका जो ये टांका है। अच्छा टांको है लेकिन खुलो है ये जो इनका टांका है बना हुआ ये खुले में जो टांका है ये बना हुआ है और ये इनका परिवार है ना आपके आप दो भाई हो? दो भाई। अच्छा बच्चा कितना आपके? तीन मेरे मोटा भाई है। अच्छा वो भी कलम है। हाँ 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 हाँ। अच्छा इनके ये जो दोनों भाई साहब के घर से हैं आप? मंजू ने चीमा देवी। अच्छा मंजू और चीमा देवी। हाँ। इनका ये घर है और अभी शाम को 7 बजे हैं और ये आप भी मुर्गी पालन करते हो? हाँ सर। अच्छा ये मुर्गी पालन भी करते हैं और कहीं चीज़ बन रही है भाई साहब? मुर्गी के। अच्छा मुर्गी के डालने के लिए इनका जो घर है वो बना हुआ है और कुछ यूँ इनका वो मेन गेट है। अच्छा शाम को कुत्ते से बचने के लिए इसको अंदर रखना पड़ता है? बिल्कुल जो कुत्ते हैं जो इन जानवरों को तकलीफ ना पहुंचाए इसका जो घर है बना हुआ दोस्तों ये कच्चा घर है। बिल्कुल इनका जो कच्चा घर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और अभी आप रोटियां बना रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल ये रसोई आप इसको रसोई कह सकते हो दोस्तों। क्या कहीं नाम है थारो? उर्मिला। थारो भाई का ही नाम है? हीना। बहुत ही नाम बहुत क्यूट है। हाँ सर बहुत बढ़िया नाम है। आप? आई एम भाव हीरो। भाई है? हीरो हीरो। अच्छा हीरो। अच्छा भावरी। थारो भाई का ही नाम है? राहुल भाई। थारो भाई? इनर विल। आप रो भी राहुल? इनर विल इनर राहुल। अच्छा इसका नाम विल्ला इसका नाम राहुल। और अभी इनका जो मैं आपको घर दिखा रहा हूँ बहुत ही पुराना घर है हालांकि 8-10 साल पहले बन उड़ो है। अच्छा आप खुला घर बनाते हो? इनका जो खुला घर है और ये जो बरसात आती है ना इसका पानी एकत्रित करने के लिए ये जो रखे हुए हैं ढोलकी वगैरह इसके अंदर बरसात का पानी इकट्ठा हुआ। अच्छा आप रहो तो के काम काज रहे? अच्छा नौकरी करते हो? कितना 10-12 हजार कमा लो? 8 हजार सर। 8 हजार ही? अच्छा मतलब 30 दिन में? खाना पीना मिलता है या खाना पीना कोई नहीं देता है घर पे 8 हजार में खाते हो। अच्छा और आपको आप सुबह कितने बजे निकलते हो? सुबह 8 बजे निकले शाम 8 बजे आता है 11 बजता है। 12 घंटे काम करते हो? 8 से 8। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। ये इनका जो घर है बहुत ही अच्छा जो डिजाइन से बनाया हुआ है और सामने जो मोर का भी फोटो आप देख सकते हो और अपने हिंदू और ये नाली का बना हुआ है देसी नाली है और लकड़ी की सपोर्टिंग से बट ये जो आप खूंटा देख रहे हो ये पुराना है मतलब थोड़ी दिक्कत वाला काम है। और ये क्या है? सर वो कोई मिलने का कोई चमन भी। अच्छा रसोई को देख सकूं? मैं देख लूं। अच्छा ये अच्छा टोकरी के अंदर दूध है? अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। और ये इनके पुराना मीटर लगा हुआ है और ये है बासा। बासा है ना? हाँ, मेरे पापा है। पिताजी आपके? हाँ, मेरे पापा हैं। मम्मी जी? पापा। अच्छा दोनों? हाँ। अच्छा इनके पापा जी और मम्मी जी दोनों सुरक्षित आ गए हैं बट इनका जो फोटो है लगा हुआ है
याददाश्त के तौर पे, है ना भाई साहब? इसलिए मैं आपको जो वीडियो है लाइट करके दिखा दूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा जो घर बना हुआ है, और बरसात में थोड़ी दिक्कत रहती है, बरसात में जो पानी है वो नाली से ऊपर से टपकता है, क्योंकि ये छोटी छोटी नाली है, थोड़ी नाली टूटी हुई भी है। और ओ सरकार बने उड़ो है या पर्सनल बने उड़ो? अच्छा पर्सनल बने उड़ो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइट की तो व्यवस्था है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, वो मेरे भाई, बड़ा भाई। अच्छा बड़े भाई हो आप। अच्छा आपके लिए वो मकान है, यानी कि कच्चो है बिल्कुल, ये इनकी जो कच्ची बस्ती आप कह सकते हो, और इसकी जो लेंथ है 3 से 4 फीट की होगी बड़ी मुश्किल से, इसलिए इसको इनको जो नीचे से मतलब खड़ा खड़ा इंसान आराम से अंदर नहीं जा सकता है, और ये जो कच्चा है नालीदार, और उसके ऊपर जो पॉलीथीन की है थैली वो भी रखी हुई है, और साइड में जो ये लकड़ी का बनाया हुआ है, आप इसको सबरा भी कह सकते हो। और ये अंदर क्या हो रहा है? अच्छा चूल्हा है, चूल्हा है, लेकिन बरसात की वजह से आप यहाँ अंदर ऐसे रखा हुआ है। अच्छा, और इनकी अंदर ये इस प्रकार से 2 खाट है, और अच्छा अच्छा अच्छा, आप विकलांग हो? विकलांग हो, देखो सर। ओ ये तो विजय मन सरकार देती नहीं। अच्छा यूनाइटेड पेंशन मन हाथ और रुपया दिए, 300 रुपया जीवन में खाली पेंशन हाथ और रुपया देवे, हाथ और देवे, और गौ बीजा कोई नहीं देते, गौ बीजा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और विकलांग सर्टिफिकेट बनुड़ो है? अच्छा मोड़ा राम जी, बिल्कुल बिल्कुल, मोड़ा राम जी का विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है, बट सरकार से 700 रुपये एक इनको पे होता है। हाँ अब बस तो फ्री है, लेकिन ये बस से इनका जो डेली का आना जाना रहता नहीं है, क्योंकि इनका बिल्कुल इनको घर पे ही रहना पड़ता है, और इनकी ऐसी नाजुक स्थिति है इसलिए इनको बाहर भी ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है। तो मोड़ा राम जी आप कहीं कोई चीज़ कहनी चाहो? हम जालौर जिले में जो भी लोग हैं आपकी कहना चाहो, आपकी समस्या है वो सरकार तक पहुंचे, और आपकी क्या समस्या है बोलो आप, और स्पीकर आप बोलो। हेलो सा बोल बोल सा, मन गो बीजा मलता नहीं, मैं विकलांग आम दी हूं, मन मार छोकर ने टकी कर जीवाड़ो, 700 रुपये सरकार पेंशन दे रही है, हां रेवा करवान कोई सुविधा कोई नहीं, और कच्चो घर है, कच्चो घर है, क्योंकि घर तो इनका पीछे वाला ही है। हाँ, आप देख लो गोपाल भाई बोल रहे हैं पीछे, ये बोल रहे हैं आप देखो बिल्कुल, इनका पीछे का घर है। विकलांग का तो ये इनके जो राजस्थान रोडवेज का बना हुआ है इनके नाम का है, लेकिन इनका इतना यूज नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है, नहीं किया कोई महीने में एक आध बार नहीं किया कभी, हाँ क्योंकि यहाँ पे लोकल तो सरकारी बस ही नहीं है, नहीं है। इनको अगर जाना पड़ता है तो यहाँ से 20 किलोमीटर तो भीनमाल है, वहाँ से चढ़ के ये कहाँ जाए, यहाँ इनके जो नजदीक में 4-5 गाँव लगते हैं वहाँ पे सरकारी यहाँ की बस ही सुविधा ही नहीं है, तो वो तो बात अलग होगी ना, क्योंकि अपना तो ये इलाका ऑपोजिट पड़ता है, और उधर है जो साइड में है रानीवाड़ा, यहाँ से तकरीबन 20-30 किलोमीटर है, तो ये सुविधा ये तो काम का नहीं है, बट ये आपने स्मार्ट कार्ड बनाया इसके लिए हम भी आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, लेकिन इनका जो घर है वो कच्चा बना हुआ है, इनका कहने का यही मतलब है एक कि गौशाला करा दो। हाँ गेहूँ एक तो गौशाला। अच्छा आप बीपीएल नहीं हो? बीपीएल नहीं, पीपीएल। आप एपीएल हो? आप बीपीएल की सुविधा नहीं है? नहीं है। तो बीपीएल कार्ड ही नहीं बनोड़ो? नहीं मेरे बनोड़ो, मेरे पापा बनोड़ो तो ना। हाँ हाँ, मेरे पापा वो मेरे साथ में आए। हाँ नहीं आपके पिताजी आपकी समस्या, अच्छा आपके साथ में आए हैं ना, तो आपकी भी तो कच्ची है ना बस्ती, और आपकी तो भी दिक्कत हो रही है ना, और आपकी सेम टू सेम भाई साहब की दिक्कत है, और उसके बाद में आप विकलांग हो, तो सबसे पहले तो आपका मकसद बनता है, और आपको भी साथ साथ में इनके साथ साथ में सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों परिवार है, दोनों भाइयों की स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है, आई बात है। और आपने गौ चालू करावना, तो डीएम साहब से मैं एक विनती करता हूँ कि जो इनके 3 बच्चे हैं और फैमिली की स्थिति बहुत ही नाजुक है, इनका जो घर है वो आपका आप देख सकते हो कच्चा मकान बना हुआ है, और अभी तक इनका जो बीपीएल से ये परिवार वंचित है, ऐसी स्थिति में देखते हुए मैं आपसे उम्मीद लगाए इसलिए बैठा हूँ क्योंकि एक तरफ तो ये विकलांग काम नहीं कर सकते शारीरिक रूप से, और दूसरी तरफ इनकी सरकारी से कोई सुविधा मतलब नहीं है, तो एक बार इनका प्लीज़ आप ये बीपीएल का कार्ड बनवा के, और इनको एक बार थोड़ी बहुत सरकार की सुविधा मिले, और उसके साथ साथ में
आप और कहीं कहना चाहो, मतलब अगर ये सुविधा मिल जाए तो आप मतलब खुश हो या और भी कोई मांग है आप? और बड़ी मकान पर बने तो बेवांटी बड़े। अच्छा अच्छा मकान, मकान तो अब देखो सत रहने के लिए इंसान की सत जरूरी है और सत के बाद में आदमी के खाने पीने के लिए बहुत जरूरी है। ये मतलब ये इनका कहने मतलब आप इनको खाना पीना नहीं दो तो भी चलेगा, आप इनको रोजगार दो। अगर आप घर बैठे एक सरकार की एक ऐसी फंडिंग से आप अगर रोजगार देते हो ना तो ये अपनी रोजी रोटी अपनी मेहनत से कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है जो मतलब ये मतलब कमाने योग्य भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनका जो आधार कार्ड ये बनना जरूरी है, राशन कार्ड। ठीक है, और बाकी बाकी होता है। अच्छा, बाकी तो कोई शरीर और दिक्कत तो नहीं? शरीर में दिक्कत है, ये तो है ना थोड़ा कम। हाँ वो तो मन ध्यान है, आप विकलांग हो, चलनु तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी इंसान की सुख दुख की बात करनी चाहिए। वो साइकिल एक्टिव नहीं मिले साहब, गांव में जाऊं करो तो। अच्छा अच्छा, तो क्यों कोई करकुला भी जावड़ गाड़ी को बिल्कुल 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 हो सके। अगर सर आप चाहते हो तो इनके विकलांग कोटे से आप इनको व्हीकल प्रोवाइड करा सकते हो, और हम तो आशा यही करते हैं कि ऐसे इंसानों की ये वीडियो आपके सामने लाए ताकि आप इनका जो दर्द है वो सुन के और आप इनकी बातों को समझ के और आप हेल्प कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा हेल्प करना चाहते हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके, और मैं आपका ये लोकेशन है जो करंट, अगर आप यहाँ आ नहीं सकते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको ये राय दे के या मैं आपके इनको या आपके साथ में आके और आपके साथ में अवगत करवा दूँगा, और तो मैं कहीं कर सकूँ। सही है, मैं मेरा मकसद है वीडियो लोगों तक पहुँचे। सही है सर, लोगों तक पहुँचना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल।